ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रशीद से। और रशीद कहाँ पर हैं आप अभी? एक दुकान पे है, कौन सी दुकान दिखा रहे हैं आप? अच्छा, ये कहाँ पर हैं अभी जी आप? सर, सऊदी अरब में नाई की दुकान है, हेयर कटिंग, नाई की हेयर दुकान है? ड्रेसिंग। क्या बात है, आपकी अपनी दुकान है कि काम करते हैं? जी सर, काम कर रहा हूँ इधर, अपनी दुकान नहीं है। अच्छा, अपनी अमेरिका अपनी दुकान है आपकी, ठीक है। तो चलिए अपनी शक्ल तो दिखाएं आप। जी सर, ये चलिए देखो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो रशीद कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर अभी बताइए। बैठ जाएं, बैठ जाएं, हिले ना। हाँ, कहाँ कहाँ पर अभी आप सऊदी में कहाँ पर हैं? सर सऊदीया में जिद्दा में हूँ सर। अच्छा, कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से, पाकिस्तान से? पाकिस्तान से सर, पाकिस्तान अच्छा, कितने साल हो गए सिंध से यहाँ पर बिलोंग रहते कर हुए? रहा कितने हूँ साल हो गए यहाँ सर। पर? 10 साल हो गए। 10 years हो जी गए। सर, जी अच्छा, सर। क्या एजुकेशन क्या है आपकी? बैचलर सर एजुकेशन बैचलर डिग्री है डिग्री किस चीज में? सर, मैकेनिकल इंजीनियर में। वो छोड़ दिया था इधर सऊदी के तो सर चक्कर जी, में आने के, छोड़ मैकेनिकल दिया था उधर ही मैकेनिकल इंजीनियर के बाद ये नाई की दुकान में कैसे आ गए फिर आप? सर। ऐसे शौक था नाई का काम करने के लिए। क्या बात है, इसमें भी कुछ दिखा रहे हो, इंजीनियर दिखा रहे हो, उसमें कुछ नहीं कुछ। जी सर, जी ये बताएं, क्या क्या है आपका मंसूबा, क्या है, क्या आपका वो करना चाह रहे हो, क्या दिमाग में घूम रहा है कनाडा के बारे में? सर जी, कनाडा जाना चाहता हूँ, इसके बारे में सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो जाएं फिर, आपको किसने रोका? जाएं, वीजा है आपके पास? जी सर नहीं, वीजा नहीं है, बस ऐसे आपके बारे में सुना था, बहुत सारे यूट्यूब देखे, इसलिए आपसे मैंने कहा सर से मशवरा कर ले। यार, कनाडा जाने के लिए वीजा चाहिए होता है। वीजा कैसे मिलेगा? तनख्वाह कितनी है आपकी पर मंथ? सर पर मंथ 6,000 रियाल है। 6,000 रियाल कितने बन गए डॉलर में? कितने बन गए भाई? $1,000 है कितने? $2,000 कितने बन गए? सर मे बी 1,800 डॉलर तक बनते हैं एक महीने में। 1,800? या वीजा देंगे नहीं आपको बॉस? वो आपकी शादी हो गई? कहाँ जी सर, पर है फैमिली? कहाँ है आपके बच्चे वगैरह, वाइफ कहाँ पर है? पाकिस्तान में सर, अच्छा, वो अच्छा, कितने बच्चे हैं? एक बचा है। अच्छा, आपको बॉस ये वीजा देंगे नहीं, आपको घूमने के लिए आप कनाडा जाओगे, वीजा जाओगे, शर्ती आपको रिफ्यूज कर देंगे। तो मैंने मेरे को कुछ उम्मीद नहीं है कि आपको विजिट वीजा दे देंगे, और आपका PR वगैरह में कुछ होने वाला नहीं है। बस एक ही तरीका है कि आपको कोई नाई की दुकान पे कोई, अगर आपको नौकरी मिल जाए, कोई बाल वाल काटने की नौकरी मिल जाए, तो वो आपके लिए हो सकता है। और बाकी आप ये जो काम कर रहे हो उसको, काम को करते रहो, इस काम की डिमांड बहुत है कनाडा में। और जो ये काम जी करते सर, जी हैं, हेयर कटिंग का काम करते हैं, उनकी कमाई बहुत है यहाँ पर। आई एम नॉट सेइंग कम बहुत है, मतलब कि इट्स बेटर देन लो, इट्स नॉट लो। तो अगर आपको कोई कोई नौकरी वाला का कोई मिलता है ऑफर वहाँ यहाँ पर कनाडा में, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई पुराना, कोई जानकार, कोई वाकिफ कोई है, अगर आपको कोई नौकरी का कुछ दे सकता है हेयर कटिंग का, तो आपको वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप ले जाओगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको कोई जॉब का ऑफर कर दे। जी सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, अगर मैं ऐसे विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर दूं, मेरी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, इसके बगैर लग सकती है ट्रेवल हिस्ट्री? मैं इसका बैंक जवाब स्टेटमेंट मेरी गुड सर? सर जी जी जी, सर, मैंने जी मैं इसका सुन जवाब चुका हूँ बस। आपके आपके पूछे बगैर ही आपको जवाब पहले दे दिया है कि आपको विजिटर वीजा नहीं देंगे वो। ठीक ठीक सर, माजरत चाहता हूँ। ठीक है, ठीक, और नहीं, माजरत ना चाहो आप, क्यों, कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि क्योंकि क्योंकि आपने, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपकी इनकम भी थोड़ी है, आप ये गलती कर मत लेना। अप्लाई करके रिफ्यूज हो जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, गलती मत करना ऐसे। डोंट अप्लाई फॉर कैनेडा प्लीज, है कनाडा वीजा, विजिटर विजिट ओके कनाडा का सर, विजिटर वीजा, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, कनाडा का विजिटर वीजा और अमेरिका का विजिटर सर वीजा जी, आप बिल्कुल नहीं अप्लाई करना, आपको वीजा वो नहीं देंगे। जी जी सर, आपको जो देंगे, अगर देंगे तो वो देंगे आपको वर्क वीजा, वर्क परमिट मिलेगा आपको, अगर आपके पास नौकरी हो तो। और वो नौकरी कौन देगा ये अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही बताएगा। और जॉब के लिए कोशिश करें, आपके दोस्तों में, कोई सर्कल में, जहां पर आपकी दुकान पे काम कर रहे हैं इनके, जहां पर जहां आपके मालिक हैं, इनसे पूछें कि इनको कोई जानता है कनाडा में। कोई ना कोई नेटवर्क निकालें, कोई ना कोई कनेक्शन निकालें। अगर कोई हेयर सैलून की कोई
कोई नौकरी का कोई कनेक्शन बनता है कनाडा में, तो आप वर्क वर्क परमिट अप्लाई कर सर। लेना। अगर आपसे नहीं होता तो मेरे से करवा लेना, किसी और से करवाना है, आई डोंट केयर कि मेरे से कराओ नहीं कराओ, लेकिन किसी इमिग्रेशन लॉयर से या क्या लाइसेंस कंसल्टेंट से अपना वर्क वीजा अप्लाई करना डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ जॉब ऑफर एज अ हेयर कटिंग आर्टिस्ट। जी सर, जिस यही मैं सोच रहा हूँ, मैं आपके थ्रू ही मैं अप्लाई करूंगा वीजा के लिए, अगर हो सकता है, मुमकिन है ये, आपके थ्रू मैं ये मुमकिन वीजा है, अप्लाई लेकिन कर दूं वर्क वीजा मुमकिन के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, ये मुमकिन तो है कि मैं अप्लाई कर दूंगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपके लिए जॉब ढूंढने जाऊंगा। जॉब मेरे पास नहीं है, ना मैं जॉब का काम करता हूं, क्योंकि जॉब के लिए हर एक आदमी पैसे मांगता है। जी सर, ये मुझे पता है। हाँ, तो जॉब का अरेंजमेंट आप अपने आप करें, बाकी वीजा का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। जी सर, चलो ठीक है सर, मैं देख के आपको बताऊंगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले मैं रेडीमेड कर दूं। इसके बारे में मैं आपको कहाँ से अब लिस्ट खोल के बैठ जाऊँ उसके बारे में। आप बस मोटा मोटा अपना जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपके पास अभी काम कर रहे हो, इसके एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट अपना जमा करते रहें आप। और दूसरा, अगर हो सके जी तो सर, आप इंग्लिश का टेस्ट ले लें, IELTS का स्कोर ले लें, अगर हो सकता है, अगर आप कर सकते हो तो आपको तैयारी करके ले लें। IELTS मालूम है ना क्या होता है जी इंग्लिश का? हाँ, वो ले लें आप। जी सर, ठीक ठीक सर, ठीक है, ठीक है, बाकी सब बढ़िया? ठीक ओके सर, बढ़िया बढ़िया, है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक ठीक है सर। क्वेश्चन, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, थैंक्स फॉर यू, थैंक इंफॉर्मेशन सर, थैंक यू भाई, थैंक यू, यू, विश यू ऑल द बेस्ट सर, टेक केयर। ओके सर, ओके सर।